वेलकम बैक मेंटल हेल्थ डे टेंथ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हमने सोचा आज भी इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही दिन तो गुजरा है लेकिन इसके बावजूद इस दिन का मतलब ये है कि हम ये सोचें के जहनी तौर पर सेहतमंद होना जज्बाती तौर पर सेहतमंद होना नफसियाती तौर पर सेहतमंद होना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फ़िज़िकली फ़िट होना और स्ट्रांग होना है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड हैं ये नहीं है कि आप फिज़िकली बेहतर होंगे और आप नफस्याती तौर पर बीमार होंगे अगर आप नफसियाती तौर पर बीमार हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है आपकी ज़िंदगी की रफ़्तार पर आपके रिश्तों की कामयाबी पर आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी के ऊपर पड़ ही रहा होगा इस ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे नार्सिज़म की और ये एक नरगसीत का शिकार जिसे कहते हैं और हमने आइडेंटिफाई किया ये बात की थी आइडेंटिफाई किया था कि ये वो लोग होंगे जो दूसरों की तकलीफ पर या उनकी आ, उनके जैसे कहने गिराए जाने पर लुत्फ लेते हैं उसको इंजॉय करते हैं ये उनकी अचीवमेंट होती है आ, हम इसके बारे में बात करना चाह रहे थे कि इनसे डील कैसे किया जाए एक पहचान सिर्फ यही एक बड़ी सी योग बाजूक बड़े अच्छे कैमो होते हैं आप एक नार्सिसिस्ट को पहचान नहीं सकते जो लोगों में उसका रवैया ऐसे होता है कि लो सौ लोग उसके बारे में गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे यार ये बंदा तो ये तो इतना अच्छा है ये खातून तो इतनी अच्छी है ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसके इस या ये कह रहे हैं कि ये येल भी करता है और ये अब्यूज़ भी करता है और ये मैंटली टॉर्चर भी करता है और ये फिजिकली भी हिट करता है सो ये चीज़ें तो एक्सेप्ट ही नहीं करते लोग सो ये भी तो एक टाइप है ना इनकी डेफिनेटली है क्योंकि नार्सिसिस्टिक जो होते हैं ये एक वक्त के अंदर किसी एक के साथ इनका ये रवैया से फ़र्ज़ करें कि अगर ये घर के अंदर रहें तो अगर उनका बीवी के साथ रवैया है और बीवी को अगर ये इमोशनल इमोशनली जो है वो अब्यूज़ करें या इमोशनली एबसेंट हो जाएंगे या बीवी का जो रिश्ता है वो महीनों के लिए गायब हो जाएगा या अगर ये आ, अगर जो वाइफ है वो उसको घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए या किसी अपनी कोई पॉकेट मनी चाहिए तो या बेगम है वो, वो खाना बना के देना बंद कर देगी वो उसकी बेसिक जो कुछ लुक आफ्टर नीड्स हैं उसमें बिल्कुल करना उसको, वो हाँ। बिल्कुल छोड़ देगी तो मैं ज्यादातर चूंकि मैं समझता हूँ कि ये मर्दों के अंदर ये ट्रीट बहुत ज्यादा और खातन जो नास होती हैं इनका जोर जो है वो अपने हसबेंड के ऊपर कम चलता है है इनका हस्बैंड जो वो आपने देखा नहीं है

जो जिसके कंट्रोल में जो कुछ होता है, है। चाहे वो आ, किसी से की, की से कोई भी जो नीड है फिजिकल नीड है इमोशनल नीड्स है, है हाँ। तो वो उन सब से उसको कर लेगा वहीं हाँ। तो हाँ। तो पे उसका बस चलता है वहीं पर ही आपको दिस कंट्रोलिंग बिहेवियर और इसके अंदर जो है जैसे कंट्रोल और फियर के सामने वाले को डरावा देखना अपने कंट्रोल के अंदर देखना और अपनी मन चाहिए चीज़ें उससे करवाने की कोशिश करना और ये जो पर्सनैलिटी इसके अंदर साथ साथ अपने स्पाउस के अंदर या कोई भी आपका पार्टनर उसके अंदर कोई एक मनफी पहलू को उठा के जो 99 अच्छी चीज़ें हैं उसको इग्नोर करते हुए किसी एक मनफी पहलू को उठा के और उसके ऊपर बहुत डिवेल्प करना और फिर उसके जो अपने वालदेन हैं या बहन भाई हैं या अपने वालदेन बहन भाइयों को उसका वही मनफी जो पहलू है उसको बहुत ज़्यादा उजागर करके ना। बार बार बताना कि इसके अंदर ये जो है वो निगेटिव ट्रेट्स हैं और अगर ये फर्ज करें कि मर्द है और वो फाइनेंशियल अर्न करता है तो बीवी को वो बहुत तंग करेगा पैसों के ऊपर लेकिन वो अपने घर वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा रुपए पैसे उन पर खर्च करना चाहेगा फिर अगर बीवी जो है वो अर्निंग हैंड है या दूसरा जो भी अर्निंग हैंड है वो उसको फाइनेंशियली ड्रेन करने की कोशिश करेगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जो है वो किसी लिहाज से पावर हो जाए ठीक है।, है और वो उसको फाइनेंशियली जो है वो ड्रेन करेगा प्लस जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उनके उनके साथ भी वो यू रोल प्ले करेगा कि उस स्पाउस का अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाए और जो नासिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं ये इंतहाई डिफ़िकल्ट होते हैं टू लिव विद और अमूमन जो ख़ातन हैं वो या मर्द जो हैं जो भी इस रिलेशनशिप के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हो जाते हैं यहाँ तक कि उनकी अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो इतनी ख़राब होती खराब हो जाती है कि उनकी नींद उड़ जाएगी वो या तो ओवर ईटिंग या बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे और या फिर वो जो है Uh, किसी एंगजाइटी या डिप्रेशन का जो है वो शिकार हो जाएंगे और हमारे पास जो अक्सर केसेस आते हैं उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं पर्सनालिटीज के जो इफेक्टिज होते हैं इनकी सबसे बुरी जहनी सेहत जो है वो एक्चुअली इनकी बिल्कुल इसीलिए हम इस बारे में ज़्यादा फोकस हैं कि आप एक तो चाइल्ड हुड वो तो आप कुछ कर नहीं सकते आपका माजी है और अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चों को कम अज़ कम इसे बचा बचा सकते हैं लेकिन उसमें भी हील कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप डील कर रहे हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों से तो आपका डिफेंस <coughs> मैकेनिज़म क्या होगा सो so, जैसे हमने बात की इंतहाई मेन्यूपुलेटिव लोग होते हैं यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना जो है वो ख़त्म होता है इन लोगों के ऊपर और इनके कई रंग होते हैं सो so, ये ये दुनिया के लिए एक और रंग होता है और जहाँ जो इनका विक्टम होता है जो इनका प्रे होता है जो इन्होंने टारगेट किया होता है कि ये मेरा शिकार है ये नहीं निकलना चाहिए हाथ से वहाँ पर इनका रवैया कुछ और होता है आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कैसे पहचाने जब हम रिश्ते कर रहे होते हैं तो हम अभी चूँकि हम मैरिटल उस पर रुके हुए हैं जब हम रिश्ते कर रहे होते हैं कैसे पहचाने कि यार ये जो फैमिली है ये जो आ, बंदा है या बंदी है ये कोई गड़बड़ है इसमें कोई कोई को ऐसे साइंस हैं जो कि रिफ्लेक्ट नजर आएंगे बिल्कुल हैं वो कहा जाता है कि इंसान जब अपना मुँह खोलता है ना तो अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नार्सिसज को ये भी कहा जाता है इट्स अ गॉडली सिंड्रोम यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड ओके ठीक mm. है दे वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड इन एवरी सिचुएशन अगर इफ़ यू आर गिविंग दैम या आप उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर रहे हैं ना ऑन एनी लेवल इफ यू आर लुकिंग मोर पर्टी दे विल बी लाइक ओ वो ज़्यादा प्यारी तो नहीं लग रही mm. ठीक है दे विल बी लाइक इफ़ यू आर मोर एजुकेटेड नहीं ये कोई काम की डॉक्टर नहीं है मैं ज़्यादा hmm. अच्छी हूँ एम वेरी मोर इक्विप्ड ठीक है शी इज नथिंग जस्ट लाइक दैट आप एक कन्जेटिव कंपेरिजन में होते हैं अच्छा अब हम ये देख लें कि ये होता क्यों है जब बच्चे छोटे होते हैं ना फरा एंड वेन वी कम फ्राम फैमिलीज लाइक आर्ट जहाँ पे तीन चार बच्चे होते हैं छः सात होते हैं ग्यारह भी होते हैं ठीक है hmm. कुछ में ठीक hmm. है hmm. yeah, exactly. तो वहाँ पे बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से जेलिसी हो रही है ना उसको बोलते हैं सिबलिंग राइवरी ठीक है साइकोलॉजी की जबान में आप चेक करें बच्चों में ये तो नहीं डेवलप हो रही कोई ये बच्चा फील तो नहीं करता उसके साथ उस भाई बहन के साथ ज़्यादा और मेरे साथ कम हो रहा है ठीक है जब ये चीज़ उनमें वहाँ से इम्बेड हो जाती है ना तो वो बड़े हो के इट्स प्राउट आउट इन अ फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ठीक है क्यों उधर उनको फ़ील होता है कि मैं उससे कम था पहले हुँ. एक सिबलिंग से शुरू हुआ है ठीक है कि मम्मा का या बाबा का फेवरेट फलाना भाई फलानी बहन ठीक मैं नहीं यहाँ से फिर वो आगे जाके ये होता है बॉस का फेवरेट कौन है फिर आगे जाके ये होता है मैं किस किस का फेवरेट हूँ अच्छा वो फेवरेट है उसका नंबर काटना है उसका कार्ड काटना है मैंने फेवरेट हूँ ठीक है इट्स इट्स जस्ट लाइक दैट ठीक है तो मोस्टली अगर आपको ये डायग्नोज करना हो या जरा देखना हो कि आप यहाँ से रिश्ता करें या ना करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि मेरी अम्मी भी कहता कहती होती हैं और बड़ी कमाल की बात है अब समझ आती है नफसयात पढ़ने के बाद पहले देखो कि जो लड़का है या लड़की है वो अपने घर पे माँ बाप के साथ बहन भाइयों के साथ कैसी है ठीक है अगर आपको ये सुनने को आपको नज़र आ जाता है कि अ पर्सन इज़ डिस्टेंट फ्राम द फैमिली और नॉट गैप्स जो होते हैं ना फरा ये कभी भी किसी चीज़ की अलामत नहीं होते ठीक है वेर देर आर गैप्स दिस मीन्स देर समथिंग रॉन्ग ठीक है इट कैन बी फ्राम द फैमिली इट कैन बी फ्राम द पर्सन मोस्टली इट्स फ्राम द पर्सन जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बात बोली थी कि जिसको हर किसी से शिकायत होती है ना मसला उसी में होता है ठीक hmm. है जिसको माँ से शिकायत है बाप से शिकायत है डिस्टेंट है बहन भाइयों से डिस्टेंट है बॉस से डिस्टेंस दि है पियर्स यू नो इट कैन बी एनी बडी फ्रेंड्स यू नो इफ़ यू हैव कॉन्फ्लिक्स ऑन एंड ऑन दिस मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू यू हैव टू चेक योर सेल्फ वक्त बड़ी प्यारी चीज़ है कि अपना मुहासरा किया करें एंड इट्स अ डेली इट्स अ डेली थिंग ठीक है अपना मुहासरा करें आज सोने से पहले कि अच्छा मैंने आज क्या किया किस hmm. किस के साथ क्या किया अगर किसी के साथ ज़्यादा कर दी किसी को मैंने आज झड़क दे दी वो से बात कर ली आई एल नॉट डू डैट अगेन दैट वॉज डिसरिस्पेक्ट फुल ठीक है तो जब आप रिश्ते कर रहे होते हैं ना तो आप ये देखें कि फैमिली इन्वायरमेंट कैसे है फैमिली आपस में बात करती है खाना एक साथ खाती है उठती बैठती साथ में गपशप करती है और मीनिंगफुल जैसे कि उन्होंने बात की थी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हैं फैमिलीज़ में या बस टी वी चलता रहता है हॉल में और सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं ठीक है वी आर लिविंग इन अ सोशल मीडिया एज इट इज इम्पॉर्टेंट बट ह्यूमन कनेक्शन आर वे मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है ह्यूम हील ह्यूमन

ट्रीट कैसे, कैसे डील करें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके किसी माँ बाप हैं आपके माँ बाप ऐसे होते हैं और वो बच्चों को इसी तरह बुली कर रहे होते हैं और समझ नहीं आ रही होती है ना आइडेंटिफाई करने का अच्छा। नजर आएगा कि बंदा सिर्फ अपने बारे में बात है या वो बता रहा है तो बता रहा है कि मैंने आज ये किया मैं ये करना चाहता हूँ मैं दूसरे की पसंद या अगर दूसरा कोई बता रहा है उसको पॉइंट तो वो उस पर बिल्कुल भी नहीं, नहीं उसको नहीं। पसंद नहीं आ रहा ठीक है वो कह रहा है नहीं तुम्हारा नजरिया है बट मेरा नज़रिया ये है और यही इंप्लीमेंट करना चाहिए या अगर वो कोई स्ट्रेटजी दे रहा है कुछ बता रहा है तो कह रहा है कि इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये मेरा नज़रिया और ये अच्छा नज़रिया है इसके अलावा जो है वो कुछ लोग होंगे जिनसे उनकी बनेगी लेकिन ये वो लोग होंगे जो उनके बिहेवियर या उनकी पसंद की अक्सी होंगे जब तक वो उनकी पसंद को मिरर करेंगे ना दे विल बी गुड विद दो पीपल बट जैसे थोड़ा सा तजाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा तो एकदम से जो है वो सब कुछ विल जस्ट अच्छा, गिर जाएगा खत्म हो जाएगा सो so, ये एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है कि वो हमेशा अपने बारे में बात करेंगे और अपनी बात को ये वो एक्यूरेट दस्त साबित करना चाहेंगे भी उस काफी हद तक भी जाएंगे हुँ. ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ ठीक है, थीक है. थीक है. तो उसके बाद व्हाट टू डू इफ यू यू फेस पीपल हुआ आर नार्सिसिस्ट चीज ये है कि पेरेंट्स अगर एक इंसान के नार्सिसिस्टिक है है, तो चूंकि जैसे मैम ने तस्कर किया था कि ये मैनेजेबल uh, होता है ये ख़त्म नहीं हो सकता mm -hmm. जैसे जैसे आपकी एज मच्योर होती है ये स्ट्रेंथ पकड़ता जाता है पकड़ता जाता है पर्सनैलिटी mm डिसऑर्डर -hmm. को अगर आपने क्योर मैनेज करना भी होता है ना जितना अर्ली ऑन आप उसको कैच कर लो उसको ट्रीट mm -hmm. कर लो टीन में या उसके जो है वो अर्ली ट्विन्स में तो वो उसके लिए mm -hmm. मुफीद साबित हो सकता है बट एज अ टाइम प्रोग्रेसिस मेच्योरिटी के पेरेंट्स हो गए नाव क्या आता है कि एक तो ये है कि uh, इफ़ यू वुड यू नो कन्फाइड इन दै में आप उनको बताओगे तो यहाँ पे भी ट्रबल है ठीक mm. है बताना जरूर चाहिए इफ यू कैन यू नो अपने आपको एक सेफ आप, आपके लिए ट्रोमैटिक भी ना हो ठीक है इफ यू कैन एक्सप्रेस टू देम यू नीड काउंस प्रोफेशनल हेड फॉर दैट देखिए इवन की विलिंग वेस में भी वी डू ऑफर फैमिली इंटरवेंशन ऐसे मसाइल के लिए जहाँ पे बहुत टफ होता है क्रैक करना केसेस को mm. तो पूरी फैमिली जो है वो एक एक प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे में जाके जो इंटरवीन कर सकती है उनको समझा सकती है hmm. और ऐसे केसेस पे यू you नो know कि वी कैन नॉट यू नो टच दिस पीपल पेरेंट्स या है मेचोरिटी होगी इस डिसऑर्डर की अब hmm. तो वहाँ पे ये कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को सीखा है क्योंकि बाजूक टेबूज हैं फाइनेंशियल इशूज हैं

नार्सिट बंदा किस चीज़ से फ्यूल ले रहा है सम वन इज डिपेंडेंट एंड सम वन इज आस्किंग समथिंग और वो उस चीज़ को कंट्रोल करके उसको जो है वो बस कर रहे कि बस मेरे कंट्रोल में सब कुछ तो सफ़र यहाँ से शुरू होगा कि उन लोगों के साथ रहना या उनके साथ गुजारा कैसे करना है कि आपने अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस पे काम शुरू कर देना है मेरा ख्याल है खातन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक स्ट्रगल है इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रवैये हैं क्योंकि ये हिस्ट्री रही hmm. कि जी एब्यूज़ होती रही खवतान hmm. दे अच्छा समझा जाता रहा कि वो तरस तरस के hmm. ससक सिसक के एक बड़ी बेबस और बे लाचार किस्म की बेजुबान किस्म की ज़िंदगी गुजारें एंड देन अपने पेरेंट्स को देखा थैंक्स टू दोज विमेन जिन्होंने इनेबल किया फिर कि इसको चेन को ब्रेक किया जाए और ख़ुत जो है फाइनेशियल एम्पावरमेंट की तरफ आई सो दैट अब उनको इस पे एक्सप्लॉइट ना कोई कर सके बिल्कुल इट्स वेरी so ये, ये एक तरीका है कि आप कंट्रोल ले लें अपने क्योंकि हाथ आपकी जो फाइनेंशियल नाउ इट इज ना बात ये भी नहीं है कि बंदा बस शादी हो जाए हो जाए वो जाए मसलों का हल नो

तो so, अब आपने बताया कि उनको डील करने के लिए एक स्टेप आपने बताया है कि आप अब इंडिपेंडेंस अपनी जो है या अपनी जो आपकी आज़ादी है या आपकी जो अपनी एक पर्सनल ग्रोथ है वो आपके अपने थे हाँ तो जरूर उस रस्ते को बख्तियार करना चाहिए बिल्कुल अगर कर सकें तो आप इसमें क्या ऐड करोगी तैयबा कि एक तो ये हो गया कि आप कंट्रोल अपना अपनी जिंदगी के कम अज़ कम बेसिक चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हों आप इसलिए ना किसी के साथ रहने पर मजबूरों के कि फ्ला रोटी कपड़ा छत मकान जो कुछ भी होता है कि ये तो इस शख्स की वजह से मजबूर हुआ मैं देखिए जैसे तलाल साहब ने कहा कि ये शो ज़्यादातर मेल्स में होता है दोनों में हो सकता है लेकिन अगर हम इसकी सोसाइटल रूट्स देखें तो पैट्रियार्की इज़ द मेन रूट कॉज कि जो भी सोसाइटी होती है ना उसके कोई भी नॉर्म्स हम डिज़ाइन करते हैं डिवेलप करते हैं ओवर द टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसकी भी बहुत बड़ी रीज़न होती है अब अगर बात आ जाती है कि नार्सिस्टिक होते कौन है या कौन से लोग हैं तो वो दे ऑलवेज पोट देयर नीड्स इन फ्रंट और दूसरे लोगों की नीड्स को वो कभी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते हैं। hmm. और अगर हम बात करें कि हम इसको मैनेज कैसे करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डू नॉट शावर देर टॉक्सिक बिहेवियर्स उनको पानी ना देते रहें मतलब जैसे इन्होंने कहा कि पानी देते हैं हम हम, हम उनको इंडोर्स करते हैं उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं री करते हैं री है ना आप कुछ भी गलत पॉइंट या कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हैं या सेल्फ लव का शिकार हैं आप या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस ग्रैंडियोसिटी आप में है और आप अपने आप को ओवर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी तो ऐसी सूरत में आप भी अगर उनको प्रेस करते रहेंगे और उनकी उस बात के साथ यस बॉस करते रहेंगे तो ये चीज़ उनको पानी देने वाली बात है कि जैसे पौधे को आप बढ़ा रहे होते आप <coughs> करना ये है जैसे मैडम ने भी कहा कि आप अपने आप को एम्पावर करें और साथ ही साथ आप दूसरे जो आपको इस तरह का अगर बॉस है आपका या आपके साथ कोई स्पाउस है तो आप उसको कहीं ना कहीं रियलिटी चेक ज़रूर दें लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ता है दूसरे इंसान को कि आपकी ये ये प्रॉब्लम्स हाँ, हैं कैसे आप देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लिमिटेशन लगता है जैसे स्पाउस है तो आप उसको कैसे बताएंगे अगर वो आपको एक्सप्लोइड कर रहा है फाइनेंशियली इमोशनली तो यू हैव टू जैसे हमने बच्चों की बात की है ना इसी तरह से समटाइम पेरेंट्स में स्पाउस में देखा गया है या पेरेंटल उसमें देखा गया है कि हम इस चीज़ को नोटिफाई नहीं करते बिकॉज हमें लगता है कि डिसरिस्पेक्ट है या फिर ये कि हमारा बॉन्ड वीक हो जाएगा हम उस बॉन्ड को बचा रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी एक वीक बॉन्ड होता है hmm. तो वहाँ पर आपको अपनी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है और अगर वो किसी सेल्फ लव या अपनी सेल्फ ऑब्सेशन के साथ हैं तो उसको आप एटलीस्ट उसको मज़ीद एम्पावर मत करें उसको एंडोर्स मत करें hmm. वहाँ पर जाके उसको और ज्यादा फैसिलिटेट सर्वाइवल के लिए बाजूक इसके अलावा और कोई चारा hmm. होता ही नहीं yes. हमने एक बात और सुनी हुई है ना बॉस इज ऑलवेज राइट सो so, अब अगर ये भी तो एक नार्सिज्म की एक वो एग्जांपल है मीन हाउ कैन अ समबडी बी ऑलवेज राइट लेकिन कौन है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में किसी भी बॉस को ये कहने की जरूरत कर ले कि आई एम सॉरी लेकिन ये आप ठीक नहीं कह रहे और उसके बाद उसका वहाँ पे जो है ना सरवाइवल मुमकिन वहाँ पे वो <laughs> तो कोई भी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी हाँ. जैसे अगर आप आ, जो आ, अगर आप डेवलपमेंटल सेक्टर को देख लें आप कॉर्पोरेट सेक्टर हुँ. को देख लें आप इवन गवर्नमेंट सेक्टर को भी देख लें तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर बहुत चेंज हो रहा है और uh, अब जो है वो इंकरेज किया जाता है कि आप बात करें आपके ख्याल है कि कॉरपोरेट सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर में या कोई किसी को हरास कर सकता है अगर एक कंप्लेन हो जाए तो जितना मर्जी बड़ा बॉस सब खड़े खड़े फ़ारिग कर देते हैं हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई फीमेल कंप्लेन करे कि वो हरास हुई है हम बगैर रीज़न बताए उस बंदे को फारिग कर देते हैं अगर ये प्रूव हो जाए तो क्योंकि ये हरासमेंट ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये तो बिल्कुल इटॉलरेबल है अब किसी भी लेवल के ऊपर और दुनिया में इस पर बड़ी अवेयरनेस आ रही है आ, हम अपने घरों के अंदर अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं तो देखिए जो नासिससिस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं इनको डील करने के लिए या ऐसा कोई बहुत साधे सबसे पहले जो जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा जो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं किसी मसले को हल करने के लिए हमें जो लगता है ना कि वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएगा तो एक बात समझ लें सब के वक्त टाइम मेक्स यू यू मोर ऑफ ऑलरेडी आर यानी वक्त गुजरने से अगर एक बंदा कंजूस है तो पांच साल के बाद तो वो मक्खी चूस बन जाएगा तो उसके अंदर कोई बेहतरी तो नहीं ना आएगी सो बेहतरी आती है जब आप इंटरवीन करते हैं जब आप मुदाखलत करते हैं जब आप उसको रोकते हैं सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका ये कि सबसे पहले अगर एक बंदे का बिहेवियर है रेफर करें कि बंदे की नई नई शादी हुई है आपको भी महीना तो एक हनीमून पीरियड चल रहा है आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा लेकिन एक दिन जो है वो आपको कोई अब्यूजिव वर्ड वो कह देता है या आपको वो थप्पड़ रसीद कर देता है तो दैट इज़ द पॉइंट कि आप जाके अपने वालदे से भी बात करें और उसके वालदे से भी बात करें जस्टिफाई ना करते हैं कि ये जो चीज़ ये ना कहें कि चलो प्यार भी तो इतना करता है हाँ, तो एक हाँ, मार दी हाँ। तो कोई बात नहीं हाँ। तो आप जो है वो पहला जो दिन होगा उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप अपनी आवाज उठा लेंगे और बात कर लेंगे तो दोबारा कोई जरुरत नहीं करेगा और अगर कोई दोबारा फिर जरूरत कर तो करता है तो फिर आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है आपकी फैमिली का क्योंकि हमारे हम यहाँ तो रहते नहीं है लड़का और लड़की बाकी उम्र तो शादियाँ नहीं करते ज्यादातर तो हम जो है वो दो सौ लोगों के बारात आप लेके आते हैं और यहाँ पे मेजबानी के लिए भी आप दो सौ बंदा वलीमे पे भी लेके जाते हैं तो क्या उन दो सौ में से कोई दस बंदे भी नहीं है बंदे भी नहीं होते आप आई मीन हमारे यहाँ नहीं है मैं आपको बताऊँगी हम कहते नहीं है अगर हम कहेंगे तलाल हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर एक कत्ल जिसको सौ लोगों ने देखा होता है उसकी गवाही के लिए कोई बंदा खड़ा नहीं होता हम उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं कत्ल तो एक और मामला है लेकिन ये भी इंसानी कत्ल ही है ना ये ये साइलेंटली कोई चाचा मामू निकल आता मैं है लड़की का बाप भी तैयार ना होना तो अब जो के अंदर कोई ना कोई चाचा मामू निकल आता है जो की उठ के इस बात के ऊपर सपोर्ट करना चाहता है और आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो वाकई कोई सपोर्ट नहीं थी लेकिन आज का जो माशरा है 2024 के अंदर अब ऐसा नहीं है अब अब जो है वो आ, मैंने देखा है कि 11-12 साल की बच्ची कह रही होती है कि मैंने काम करना है और खबरदार किसी ने ये कहा कि तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो तो मैं तुम्हारी शादी हम कर देंगे हमें अपने आप को डेवलप करना है हमें अपने आप को कह क्योंकि अगर आप ख़ुद से कैरियर आपका है और आप डेवलप्ड है फुली तो ज़्यादातर लोग आपके साथ वो वाला रवैया नहीं अगर रखेंगे भी तो ये खाली देखते हुए कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं तो कोई आपके साथ उस बिहेवियर को ज़्यादा लंबे अरस तक जारी नहीं रख सकता और अगर आप खुद ही इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि घर वाले इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हमने मुदाख की और इसको शह दी तो कहीं ये घर के ना बैठ जाए एंड देट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए बेटियों को अब ये नहीं कहा जाता कि तुम रुख्सत होके गई हो तो तुम्हारी मैयत ही यहाँ पे आनी चाहिए उसको बताना चाहिए कि बेटा आप रुखत होगी गई हैं आपका जब दिल करे आप आ जा सकती हैं अच्छा, जैसे हमने ज़िक्र किया डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं खातिन के एम्पावर होने से ये जो सारे सेटअप्स थे जहाँ जहाँ पे ख़ातून एम्पावर्ड है बाजुकात शिफ्ट ऑफ पावर जो है वो हो चुका है या हो रहा है जिससे हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो उसे एक नई न्यू लर्निंग्स की ज़रूरत है कि मर्द जो हैं जो पहले घर का राजा होता था वो अब वो इतना राजा नहीं है अब उसे खातून ने कह देती है कि नहीं पैम्पर्स चेंज करो तुम भी हुँ. या आज खाना जो है वो प्लीज़ तुम बना लो या चाय तो बना के दो मेरे सर में दर्द हो रही है या आज मैं लेट आ रही हूँ प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ किड्स सो दिस हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्म सो अब इसमें आप क्या समझते हैं कि अब अब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन फैमिलीज के आ रहे हैं मरियम मैं जब आऊँगी वापस मैं आपसे जाना चाहूँगी वो क्या है उनमें कैसे हमने सर्वाइव करना और डील करना है लेकिन उससे पहले एक ब्रेक